जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आज का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग 7NR लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों का डिमांड था इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर, क्योंकि इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ है जिसकी वजह से शेयर प्राइस में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस तब से देखेंगे तो लगातार नीचे ही जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है। साथ में यह भी बताऊंगा कि कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसी है, कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल क्या बोलता है, जिसके पास पहले से शेयर्स हैं उन्हें क्या करना है और कोई नया व्यक्ति भी यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हम लोग काम फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज़ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर और वहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल में इस स्टॉक में क्या कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था जिसकी वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7NR लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग में दिखाई देगा, ESMHH2 में दिखाई देगा। सामान्यतः जो छोटी कंपनियाँ होते हैं ना वो आपको रेड फ्लैग में ही देखने को मिलती हैं। आप देखिए ESMHH2 में क्या होता है कि जब कोई स्टॉक चला जाता है तो उसमें बाय सेल करने में दिक्कत आता है। आप ज़्यादातर यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगा। हर रोज लगभग इस दिनों लोअर सर्किट ही आपको देखने को मिल रहा है, जबकि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था होने वाला था तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, शेयर प्राइस बढ़ा भी था। लास्ट टाइम जिसमें अपर सर्किट लगा था 7 फरवरी के दिन लगा था। हालांकि आगे भी इसमें ऊपर सर्किट लगेगा क्योंकि जिस ये सेक्टर की कंपनी है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, काफी बढ़िया ग्रोथ है उसमें, उसके बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनेगी। लेकिन फिलहाल इसमें डाउनफॉल जो देखने को मिल रहा है इसके पीछे वजह यही है। अब चलिए हम लोग आ गए हैं कॉर्पोरेट एक्शन में और यहाँ पर बात करते हैं कि इस स्टॉक में एक्चुअल में हुआ क्या था, कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्सोलिडेशन ऑफ शेयर्स, इसको कहते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। देखिए नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट अलग होता है और एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट ये अलग होता है। नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट में क्या अंतर है और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या अंतर है मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका लिए जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का, वो रखा गया था 5 जनवरी 2024 को। हालांकि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अब एक ही हो गया है, तो इसके पहले जिस व्यक्ति के पास भी इस कंपनी के शेयर रहे होंगे उनको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिला हुआ है। देखिए सबसे पहले समझिए स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जो नॉर्मल स्प्लिट होता है उसमें क्या होता है कि शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट में होता है। जबकि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि जो शेयर्स होता है शेयर्स आपके कम हो जाते हैं और जो प्राइस होता है वो आपका प्राइस बढ़ जाता है। यही अंतर है बस नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट में। तो यहाँ पे इसका रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10:1 के रेशियो में, यानी कि आपके पास यदि 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर्स मिला के सिर्फ 1 शेयर्स हो जाएंगे, और यदि यही स्टॉक स्प्लिट हुआ रहा था तो ये मान लीजिए हुआ रहा था 1:10 के रेशियो में, यानी कि आपके 1 शेयर 10 शेयर्स हो जाते हैं, लेकिन पैसा भी उसी हिसाब से कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 10:1 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हुआ था, यानी कि आपका 10 शेयर्स मिला के 1 शेयर्स हो गया और शेयर प्राइस भी इसमें बढ़ गया। देखिए अब समझते हैं कंपनियाँ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती ही क्यों है, नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं करती। देखिए नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट भी होता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इसलिए होता है क्योंकि जिससे मैंने इसमें बताया कि इसमें होता क्या है कि जो शेयर्स होता है शेयर्स की क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है और जो शेयर का प्राइस होता है वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। अब किसी कंपनी का शेयर प्राइस एकदम कम हो गया, जैसे इसका शेयर प्राइस 50 पैसे के करीब हो गया था और भी कम होते जा रहा था, तो जब प्राइस इतना कम हो जाता है तो इसको डिलिस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। और सेबी और एक्सचेंज का ये रूल है कि प्राइस एक सर्टन लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, यानी फिर पेनी स्टॉक से भी नीचे की श्रेणी में चला जाता है तो हमेशा उस पर खतरा मंडराते रहता है और कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाना चाहता है। तो ये जो शेयर प्राइस है इसको बढ़ाने के लिए कंपनियाँ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती हैं, अपने शेयर्स को कम कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए किसी भी चीज़ को जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा उसमें उसके प्राइस बढ़ेंगे। इस वजह से नॉर्मल भी आप समझ सकते हैं कि जब रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा और शेयर्स की संख्या कम हो जाएगी। तो यही इस स्टॉक में हुआ था कॉर्पोरेट एक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने 7NR लिमिटेड का क्या कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था उसको समझा, अब चलिए समझते हैं कंपनी क्या काम करती है ताकि काम और फंडामेंटल के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सके कि जो नया व्यक्ति जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो क्या करेगा। अभी देखिए ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में आपको कामकाज करते हुए नजर आएगी और मैं अपने हर एक टेक्सटाइल्स वाले वीडियो में बताता हूँ कि ये जो बहुत कमाल की इंडस्ट्री है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले समय में भारत में बहुत बूम करने वाला है और जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो उस इंडस्ट्री में यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे बनने के चांसेस रहते हैं। यदि हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 20 करोड़ के आसपास है और हालांकि शेयर के प्राइस घटने की वजह से ये मार्केट कैप और कम हो गया है, ये मार्केट कैप बढ़ेगा जब शेयर का प्राइस आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। अभी तो देखेंगे कुछ दिनों से लगातार स्टॉक का प्राइस नीचे ही जा रहा है। देखिए
शेयर का प्राइस 7 रुपये अभी है जो कि बुक वैल्यू से कम है, शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, हालांकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस में ही ये बढ़िया बात है। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं एक्सेल के चार्ट पर आगे और यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का ये जो लेवल है इसके लिए ये 7 रुपये का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस भी है और एज ए सपोर्ट भी है। अभी देखिए अभी चूंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 7 रुपये के आसपास। अब ध्यान देना है कि प्राइस 7 रुपये के आसपास आके नीचे ना आए, नीचे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है 6 रुपये और मुझे लगता है इसके बीच में आके स्टॉक का प्राइस अभी कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा फिर एक लंबा ब्रेकआउट आपको देगा और आपको 10 से लेकर 15 रुपए के बीच आपको जाते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा और यहीं से फिर थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा। खैर जैसे मैंने बताया कि यदि नीचे आता भी है तो 6 रुपए के लेवल तक आएगा क्योंकि यहीं पर भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं पर फिर कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर निकलेगा। तो आप 6 रुपए तक वेट कीजिए, 6 रुपए के नीचे आता है तो आप अपना हाफ क्वांटिटी निकाल दीजिएगा क्योंकि तब इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। बाकी यदि हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास देखिए कर्जा है, कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा है और कंपनी की जो कमाई है हालांकि जो रिवर्स पैसा होता है वो भी आपको थोड़े बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन रिवर्स जो रिजर्व कैश होता है वो उतने नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से कर्जा बढ़ रहा है। हालांकि ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो ये जो रिजर्व पैसा है यह भी बढ़ेगा और कंपनी जब प्रॉफिटेबल होगी अच्छी खासी तो डेप्ट चुकाने में मदद आएगा लेकिन फिलहाल कर्जा बढ़ रहा है ये चिंता की बात है। ओवरऑल 7NR में करना क्या है कि अभी नया एंट्री तो नहीं लेना है, जिसके पास पहले से है वही इसमें बने रही है, जो लेवल बताए हैं उस लेवल पर ध्यान रखिए। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई भी और सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।